لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. तो भाई डी ऑटोस की तरफ से क्रोला 2015 GLI जो हमारे पास आई थी वो पेशे पे हो चुकी है। माशाल्लाह गाड़ी आपने बहुत अच्छी हमारी तैयार की है, हमें बड़ी खुशी है कि हम अच्छी चॉइस की कि हम आपके पास आए। अस्सलाम वालेकुम, डी ऑटो से आपका दोस्त अल्ताफ शकील तो हाजिर हैं आज एक और गाड़ी फेसलिफ्ट के लिए हमारे पास आई है ऑल द वे फ्रॉम गुजर खान। और ये क्लाइंट हमारे नवीद भाई हॉलैंड में होते हैं, वहाँ से उन्होंने YouTube पे हमारी वीडियो देखी है और वो वीडियो देख के हमारे साथ रब्ता किया कि हमने अपनी गाड़ी फेसलिफ्ट करवानी है और वो गुजर खान से लाहौर अपनी गाड़ी देने आए हैं हमें फेसलिफ्ट करवाने के लिए। अब इस गाड़ी में जो हम फेसलिफ्ट पैकेज करने जा रहे हैं वो टॉप क्वालिटी वाला पैकेज है जिसके अंदर हम इसकी हेडलाइट्स ओरिजिनल ताइवान की डालेंगे, थाईलैंड या ताइवान PYC कंपनी की हेडलाइट्स आती हैं वो वाली हेडलाइट्स डालेंगे। उसके अलावा इसके जो बम्पर्स हैं और साइड स्कर्ट्स हैं वो जेन्युइन टोयोटा कंपनी के डालेंगे। बाकी आप गाड़ी की कंडीशन वीडियो में चेक कर सकते हैं कि ये कंडीशन है, फ्रंट लुक ये है, बैक लुक ये है, साइड्स इस तरह है गाड़ी की, ये सारी आप कंडीशन चेक कर सकते हैं गाड़ी। इंटीरियर में गाड़ी के मल्टीमीडिया स्टेयरिंग ऐड करना है, साइड मिरर जिसके अभी ऑटो रिट्रैक्ट नहीं है वो ऑटो रिट्रैक्ट करने हैं। बाकी इसमें काफ़ी एक्स्ट्रा मॉडिफिकेशन हैं जिसमें इसके हेडलाइट्स में हमने LEDs डालनी है, नीचे फॉग लाइट्स लगाने हैं, लाइम ग्रीन LEDs डालनी है। तो इसका काम आपको चल के दिखाते हैं, बिफोर लुक गाड़ी की ये है और आफ्टर लुक साथ इसका काम दिखाते हैं और उसके बाद आपको इसकी आफ्टर लुक दिखाएंगे। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر. لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا، جوهرنا هنا في القلب تلالا، لا نرضي الناس بمالا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا. तो भाई आज है क्रोला का डे टू, नवीद भाई जो क्रोला हमारे पास लेके आए हैं फेसलिफ्ट करने के लिए सिल्वर कलर की, तो आज इंशाल्लाह गाड़ी हमने फाइनल करके उसको उनको हैंडओवर कर देनी है। वो इधर ही स्टे कर रहे हैं होटल में क्योंकि गुजर खान से आए हुए हैं, तो आज इंशाल्लाह उसको हम कंप्लीट करते हैं। नवीद भाई ने कहा कि मुझे भाई अपनी गाड़ी को ग्रैंडी के 2024 मॉडल वाले अलॉय रिम लगवाने हैं लेकिन 15 इंच में, क्योंकि उनके टायर बिल्कुल ब्रांड न्यू हैं तो हम उनको 16 इंच के अलॉय रिम नहीं डाल रहे, उनको हम 15 इंच के अलॉय रिम डालेंगे। तो सुबह 9 बजे का टाइम हो रहा है, प्लाजा पूरा खाली है, पूरा बंद है प्लाजा, हम सिर्फ आए हैं क्योंकि गाड़ी हमने आज टाइम से फ्री करनी है। आपको प्लाजा दिखाते हैं, टोटल क्लोज है, गाड़ी दिखाते हैं और अभी इसके रिम चेंज करवाने चलते हैं, आपको रिम भी दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत अलॉय रिम है 15 इंच में, ब्रांड न्यू डब्बा पैक। तो चल के इसका एक और है कि अब गाड़ी क्योंकि खुली हुई है तो हम रिम चेंज करवाएंगे, वहाँ पे साथ ही वॉशिंग स्टेशन है तो हम इसके बम्पर्स उतरे हुए हैं तो नीचे से भी इसको एक दफ़ा पानी मरवा लेंगे ताकि जो नीचे इसके कीचड़ वगैरह वो भी उतर जाए। ये हमें चांस मिल गया, वरना मिलता नहीं होता, लेकिन क्योंकि खुली है और हम रिम चेंज करवाने जा रहे हैं तो इस चांस को हम अवेल करेंगे और गाड़ी को पानी मरवाएंगे नीचे से भी ताकि बम्पर्स लगने से पहले गाड़ी साफ़ सुथरी हो जाए। तो चल के आपको आज का काम दिखाते हैं। भाई चेक करें, प्लाजा सारा बंद है, ठीक है, सारी शॉप्स बंद हैं प्लाजे की और आपका अपना TA ऑटो मॉडिफिकेशन सिर्फ खुला हुआ है क्योंकि हमने गाड़ी का काम करना है। ये है गाड़ी एज ऑफ नाउ, लाइट्स वगैरह रात को फिट हो गई थी, इसकी बैक लाइट्स फिट कर दी थी, छोटे मोटे जितने काम थे ऑटो रिट्रैक्ट मिरर वो कर दिए थे, बम्पर्स खुश्क होने थे इसलिए हमने रात को फिट नहीं किए। बाकी अब इसको व्हील कैप्स लगे हुए हैं जो सादे वाले आते हैं, अब इसको हम अलॉय रिम चल के फिट करते हैं जिससे गाड़ी की टोटली लुक बदल जाएगी। और बाकी आपको अंदर का खलारा थोड़ा दिखाएं क्योंकि बम्पर्स इसके पड़े हुए हैं शॉप में, तो ये इसका बैक बम्पर पड़ा हुआ है जो कि पेंट होकर रात को आ गया था, ये इसका फ्रंट बम्पर पड़ा हुआ है खोखा। हम इसको जेन्युइन बम्पर्स डाल रहे हैं तो इसके सारे पार्ट्स अलहदा होते हैं, इसके फॉग लैंप के अंदर DRL लगाएंगे तो इस तरह सारा काम करेंगे। ये हैं जी अलॉय व्हील्स जो हमने इस गाड़ी को लगाने हैं। हेडलाइट्स में हमने गाड़ी के लगाई हैं LED लाइट्स, लो बी में भी LED लाइट्स, हाई बी में भी हाई एंड
दोनों में हमने 6 मंथ्स की वारंटी वाली LED लाइट्स लगाई हैं। ये इसकी लो बीम है, ये इसका डिपर है और खाली डिपर चलाते हैं, तो ये चेक करें। बाकी आप ये देखें कि आके भाई ने गाड़ी की इंटीरियर की क्या खूबसूरत लुक बना के दी है। इसमें डायनेमिक एम्बियंस लाइट लगाई है, इसमें हमने मल्टीमीडिया स्टीयरिंग लगाया है और आप चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि GLI। ये एम्बियंस लाइट है जिसमें आपको ऐप के साथ मुख्तलिफ मोड्स मिल सकते हैं, आप कोई भी कलर कर सकते हैं इसका, इसकी ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं, कलर अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके अंदर आप इसको ऑटो प्ले के फीचर्स भी हैं, ये डायनेमिक फ़ीचर्स हैं इसके। इसमें 200 से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। ये आ गए हैं हम गाड़ी के रिम चेंज करवाने, जो कि गाड़ी का मेन लुक को एनहांस करेगा। तो आपको रिम भी दिखाते हैं, रिम हम कौन से लेके आए हैं इसके लिए। रिम है ये जी, ये ग्रैंडी के जेन्युइन डिज़ाइन, आपको डब्बा बैक रिम दिखाती हैं, क्या खूबसूरत लुक है माशाल्लाह रिम की। ये लें, ये आ गया जी ग्रैंडी का 15 इंच में रिम। أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج तो भाई डी ऑटोस की तरफ से करोला 2015 GLI जो हमारे पास आई थी वो फेसलिफ्ट हो चुकी है। करोला एक्स में टोटली इसको कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने अपना वन ऑफ द टॉप मोस्ट पैकेज किया है, जिसके अंदर हेडलाइट्स इसको हमने जेन्युइन थाईलैंड वाली डाली है और इसको जो कंप्लीट बम्पर्स हैं इसके जो कन्वर्जन है वो जेन्युइन टोयोटा के पार्ट्स के साथ किए हैं। अब इसमें हम इसके एक्स्ट्रा कामों पर आ जाए तो इसके अंदर मॉडिफिकेशन भी किए हैं, फेसलिफ्ट तो है एक साइड पर, लेकिन गाड़ी को स्पोर्टी टच देने के लिए इसको हमने एड ऑन किए हैं, जिसके अंदर इसके DRL कवर्स लगे हैं फॉग लैंप के, जिसके अंदर इंडिकेटर भी हैं जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको हमने मिरर्स जो हैं इसके ऑटो ट्रैक किए हैं, साइड स्क्रर्स जो कि जेन्युइन कन्वर्जन में आती है वो ऐड किए हैं, बाकी इसके जो दरवाजे हैं उनके ऊपर हमने ग्रैंडी स्टाइल क्रोम बोल्टिंग होती हैं वो लगाई हैं, बाकी साइड में हमें बैटमैन कवर आ गए और इसमें हमने खूबसूरती के लिए ये नियॉन स्टाइल टर्न सिग्नल और पार्किंग लाइट्स लगाए। जिस चीज़ ने इस गाड़ी की लुक को सबसे ज़्यादा एनहांस किया है वो है इसके अलॉय रिम। इसको हमने 15 इंच में अलॉय रिम डाले हैं, 15 इंच में, जो कि इसके जेन्युइन टायर्स में लगे हैं, लेकिन ये रिम ग्रैंडी स्टाइल जो 2024 मॉडल है उसके अलॉय रिम है एग्जैक्ट उस डिज़ाइन के। उसमें 16 इंच का रिम आता है लेकिन इसको हमने 15 इंच का रिम डाला है। इसकी गाड़ी की बैक लुक पे आ गए हैं तो गाड़ी को बैक से बहुत ही डिसेंट सा और स्पोर्टी टच दिया है, जिसके अंदर इसको हमने डकटेल स्टाइल स्पॉइलर लगाया है जिसके बीच में ब्रेक लाइट भी है, बाकी इसको हमने रूफ स्पॉइलर लगाया है, बैक स्क्रीन इसकी स्पेक्ट्रम पेपर में ब्लैक की है, गाड़ी की रूफ ब्लैक की है, बैक से ऑब्वियसली फेसलिफ्ट तो हुई है गाड़ी, जिसके अंदर एक्स का बम्पर लगा है, गार्निश चेंज हुई है और बैक की सारी लाइट चेंज हुई है। मोनोग्राम इसको हमने जेन्युइन टोयोटा कंपनी के डाले हैं और बाकी इसमें जो एक्स्ट्रा चीज डाली है वो ये रिफ्लेक्टर्स है। जो टोयोटा कंपनी का ओरिजिनल बम्पर आता है उसके अंदर बड़े बोरिंग से खाली रिफ्लेक्टर होते हैं, इसके अंदर हमने हाई क्वालिटी LED लाइट्स डाली हैं। तो करोला GLI जो हमने फेसलिफ्ट की थी उसके ओनर मौजूद है हमारे साथ, मिस्टर नवीद साहब, जो कि ऑल द वे फ्रॉम हॉलैंड आए हैं पाकिस्तान, और इधर ये गुज्जर खान से हमारे पास आए हैं अपनी गाड़ी फेसलिफ्ट करवाने। तो पहले तो हम पूछेंगे आपको DA ऑटो मॉडिफिकेशन का किस तरह पता लगा। अस्सलाम वालेकुम, मैंने आपकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी और काफ़ी वीडियोस आपकी यूट्यूब पे मैंने जब चेक किए हैं और भी मैंने देखी वीडियोस, उसके सबसे बेस्ट जो मुझे लगा आपका ही और आपका जो सिस्टम और आपका सारा जो वाजह तौर पे बता देते हैं कि क्या क्या आपका खर्चा कितना आएगा, उस हिसाब से फिर मैंने वहाँ से रब्ता किया, अपने बंदे मेरे बड़े हैं पाकिस्तान में तो उनसे मैंने रब्ता किया, फिर आपसे बात होती रही व्हाट्सएप पे सारा कुछ, मैंने कहा था फिर मैं अभी इस महीने आया हूँ, तो फिर हम आज यहाँ आपके पास आए, कल के आए हैं हम,
यहाँ पे तो लॉकडाउन भी लग गया, उसकी वजह से हम रुक गए थे, लेकिन माशाल्लाह गाड़ी आपने बहुत अच्छी हमारी तैयार की है, हमें बड़ी खुशी है कि हम अच्छी चॉइस की, हम आपके पास आए, आपसे गाड़ी बनवाई, और अल्लाह करे कि आपका काम इसी तरह चलता रहे, आप खुश रहें, और हमें बहुत अच्छी तरह से हमारी गाड़ी आपने तैयार की है, हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ पे आए। قلت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حست غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج أتقبلهم الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا 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 نحتاج جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا